हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज एंड द ड्रग्स यूज्ड इन द पार्किंसन डिजीज। ओके, सो हियर वी स्टार्ट फ्रॉम पार्किंसनिज्म। सो हियर सम बेसिक इंट्रोडक्शन। इट इज क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। ओके, मोटर न्यूरॉन्स मीन्स बॉडी में दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, कैरीड आउट द सिग्नल्स फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ योर बॉडी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो बाहर से जो सिग्नल्स होते हैं उसको भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो होते हैं हमारे सेंसरी नर्वस न्यूरॉन्स, वो होते हैं एफ्रंट, उसको हम एफ्रंट भी बोलते हैं। और दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, मीन्स कैरी आउट द सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू आउटर पार्ट ऑफ योर बॉडी, मीन्स के इफ्रंट, जो एग्जिट करता है सिग्नल्स का। ओके, सो पार्किंसन मीन्स इट इज क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, मे डेथ ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, ट्रेमर एंड ब्रेडिकाइनेजिया। रिजिडिटी मीन्स होता है मसल फ्लेक्सिबिलिटी बिकम लो, ट्रेमर्स होता है जर्क मीन्स झटका, और ब्रेडिकाइनेजिया मीन्स मसल मूवमेंट्स बिकम स्लो। पार्किंसनिज्म डिजीज जो है वो इम्बैलेंस होता है दो केमिकल का, उसके वजह से होता है। तो इट इज़ कर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन डोपामाइन एंड एसिटाइलकोलाइन केमिकल। मीन्स डोपामाइन का लेवल इसमें डिक्रीज होता है एंड एसिटाइलकोलाइन का लेवल इसमें इंक्रीज होता है। सो हियर सिम्टम, एक्सेसिव सलाइवेशन एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। नेक्स्ट, ड्रग्स यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज। ओके, जो मेन रीज़न है कि दो केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, डोपामाइन का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है और एसिटाइलकोलाइन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इसको देखते हुए ट्रीटमेंट है, फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग ब्रेन्स डोपामाइन लेवल, डोपामाइन के लेवल को हमें इंक्रीज करना है, और सेकेंड है बाय रिड्यूसिंग ब्रेन्स कोलिनर्जिक लेवल, कोलिनर्जिक लेवल को हमें रिड्यूस करना है और डिक्रीज करना है। हियर क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ड्रग्स दैट अफेक्ट डोपामिनर्जिक सिस्टम। फर्स्ट है ए डोपामाइन प्रिकर्सर, एग्जाम्पल है लेवोडोपा। बी है पेरिफेरल डी कार्बोक्साइलेज इनहिबिटर, एग्जाम्पल है कार्बिडोपा। सी है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, एग्जाम्पल है ब्रोमोक्रिप्टिन एंड ड्रोपिनोरोल। डी है माओ इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर मीन्स मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, एग्जाम्पल है सिलिजिलिन। ई में है डोपामाइन फैसिलिटेटर, एग्जाम्पल है एमांटिडिन। एफ सी ओ एम टी मीन्स सी ओ एम टी का फुल फॉर्म है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, एग्जाम्पल है एंटाकैपोन। सेकंड जो है, फर्स्ट वाला था वो डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करता हुआ था, सेकंड क्लास है वो है ड्रग्स दैट अफेक्ट कोलिनर्जिक सिस्टम, एग्जाम्पल सेंट्रल कोलिनर्जिक, उसका एग्जाम्पल है प्रोसाइक्लिडिन। एंड बी है एंटी हिस्टेमाइन, एग्जाम्पल है प्रोमिथाजाइन। ओके, सो हियर क्लासिफिकेशन इज ओवर एंड लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग। सो दिस प्री साइनेप्टिक नर्व एंड दिस पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। ओके, सो हियर टायरोसिन, टायरोसिन का कन्वर्जन होगा डोपा में, डोपा का कन्वर्जन होगा डोपामाइन में, और ये है डोपामाइन जाएगा हमारा ये जो वेसिकल्स है उसमें। फिर जब कैल्शियम का इफ्लक्स होगा, कैल्शियम एंटर होगे तो डोपामाइन इसमें से रिलीज होके जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व में, जहाँ पे डोपामाइन रिसेप्टर बाइंड होते हैं। ओके, बट इन पार्किंसन डिजीज डोपामाइन का लेवल डिक्रीज होता है। सो हियर डोपामाइन डिक्रीज हो गए। ओके, सो ये है पार्किंसन की कंडीशन, उस डिजीज में यहाँ से डोपामाइन डिक्रीज हो गए। सो अगर लेवोडोपा देंगे, मीन्स के लेवोडोपा है वो प्रोड्रग है। ओके, सो उसका जीआईटी में से जाके आगे जाके गट एंड पेरिफेरल टिश्यू में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, 98% अराउंड उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। फिर उसका कन्वर्जन हो जाएगा डोपा में, लिवोडोपा का कन्वर्जन होगा डोपा में ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, अराउंड 98% जितना मेटाबॉलिज्म उसका होता है गट में और एंड पेरिफेरल टिश्यू में। देन
दिस डोपा एंटर, ओके, उसका भी वही होगा, फिर से डिस्ट्रक्शन. सो अगर कार्बिडोपा देंगे लेवोडोपा के कॉम्बिनेशन में, तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लेस होगा एज कम्पेयर टू जब प्रोड्रग मीन्स के लेवोडोपा अलोन देते हैं, उसके मुकाबले इसका मेटाबॉलिज्म होगा बट लेस होगा. सो अगर कार्बिडोपा लेवोडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे, तो हियर डोपामाइन फिर से हो गए, फिर से उसका लेवल इंक्रीज होगा. सो हियर फिर से डोपामाइन बन जाएंगे और वो जाएंगे अपने डोपामाइन रिसेप्टर पे बाइंड हो गए. सो हियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज कंप्लीट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.